आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि बसवा थाना प्रभारी रामशरण गुजर, बसवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र बीरवा, लेक्चरर प्रकाश चतुर्वेदी, पीटीआई राजेश मीणा, मोहनलाल मीणा, बसवा थाना प्रभारी रामशरण गुजर ने सभी छात्राओं को सड़क सुरक्षा के अलावा कैसी अन्य पॉइंटों के पर बताया है कि जीवन अनमोल है, सड़क पर मोटरसाइकिल से चलते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, दोनों तरफ देखें, ओवरटेक से बचें, फोर व्हीलर चलाते समय साइड शीशा व सीट बेल्ट का प्रयोग करें व अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है, जैसे दहेज प्रथा, कोरोना बुरी संगत से बचे, वो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद बीरवा ने कहा कि एक पढ़ाई ऐसी चीज है जिसको बांटा नहीं जा सकता है, जीवन को सुखी बनाना है तो पढ़ाई जरूरी है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी शिक्षा आपके जीवन को रोशन मिले और वह उच्च पदों पर विराजे। बाहर खड़ी कर दी, अंदर सो गए, कई लोग ऐसे प्रयास में हैं कि आबादी जो बढ़ रही है उसमें अपराधी बढ़ रहे हैं, चोरी करके चला गया। आपने सावधानी को लगानी है, उसके लिए आगे बढ़ के काम करना है, ये नहीं कि अफवाह फैलाएं कि इस वैक्सीन से टीका से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं। पहले उसका परीक्षण डॉक्टरों पे, पुलिस पे, जो समाज सेवी संस्था है उनको किया गया है, उसके बाद में जनता में लाया गया है। तो आप जब भी बारी आए वैक्सीन की आगे बढ़ के अपने सब कुछ ठीक होगा। दूसरा मैं आज मुख्य उद्देश्य है, लेकिन इसको अपनों को क्या करना है, किसी माँ के एक बेटा हो, किसी बहन के एक भाई हो, थोड़ी गहराई से सुनना, आपको आपके माता पिता की परिस्थिति में है, अगर मैं मेरा बेटा होता हूँ एक बेटे के ऊपर कोई अचानक आपको मोटरसाइकिल, पहले वाले समय में और आने वाले समय में बहुत परिवर्तन हो चुका, उन्होंने अपना कैसे जैसे टाइम पास कर लिया, लेकिन आप लोगों का आगे ऐसा टाइम पास नहीं होने वाला है, ध्यान दें। तो इसके लिए कोरोना के लिए जो समस्या है वो अभी भी है, लेकिन काफी कुछ निजात मिल चुका है, वैक्सीन आ चुकी है। वैक्सीन के लिए आम धारणा यह है कि जैसे प्लस पोलियो लगा था, पहले आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे विकलांग थे, सरकार ने मुहिम चलाई, प्लस पोलियो की दवाई चलाई, तो आज मुश्किल से 1% आधे% को देखने को नहीं मिलता बच्चा, उसी प्रकार से कोरोना का संक्रमण है। विदेशों में सभी जगह